अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर मिस फैज़ा। टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1। बिफोर स्टार्टिंग माई टॉपिक आई विल गिव यू सम इंस्ट्रक्शंस अबाउट कॉपी वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंटेन योर रजिस्टर, देन प्रिपेयर इन योर इंडेक्स पेज। नेक्स्ट टाइटल पेज प्रिपेयर करेंगे आप और अपना बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर देंगे। बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 आपको असाइनमेंट नंबर 2 में दिया गया था वर्किंग के लिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स में क्लासेस तो नहीं हो रही थी, तो एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी, सिर्फ वर्किंग दे दी थी। तो एक्सप्लेनेशन के लिए अब जो है वो आप लोग के पास वीडियो सेंड कर दी जाएंगी, जिसके ज़रिए आप लोग को अपनी लर्निंग भी करनी है और वर्किंग भी करनी है। तो स्टूडेंट्स, जितना भी आप लोग को ये वीडियोस के थ्रू लेक्चर्स दिए जा रहे हैं या वर्क बताया जा रहा है, वो आप लोग को साथ के साथ मेंटेन करना है, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन आप लोग की दोबारा से यही वाला वर्क दोबारा से नहीं होगा, ना तो वर्किंग होगी ना एक्सप्लेनेशन होगी, क्योंकि आप लोग को बायोलॉजी और केमिस्ट्री की तैयारी या सब सब्जेक्ट्स की तैयारी 9th क्लास के बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी करनी है। तो हर दफ़ा तो इस तरह से पास नहीं होंगे, तो आप लोग साथ के साथ वर्किंग तो क्योंकि कर चुके हैं, तो साथ के साथ लर्निंग भी स्टार्ट कर दीजिए। नेक्स्ट, अब आते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक नंबर 1 है बायोलॉजी के चैप्टर का, बायोलॉजी एंड इट्स ब्रांचेस। व्हाट इज़ बायोलॉजी? बायोलॉजी जो है एक साइंस की ब्रांच है। बायोलॉजी के अगर वर्ड को हम देखें तो उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। बायोलॉजी का वर्ड 2 वर्ड पर कंपोज है। फर्स्ट है बायो, सेकेंड लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ और लॉजी मीन्स स्टडी। तो लाइफ तो आपको पता है लिविंग ऑर्गेनिज़म्स की होती है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग की तो कोई लाइफ नहीं होती। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उन सब की लाइफ की स्टडी करने को बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, बायोलॉजी की मेन ब्रांचेस हैं। साइंटिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजी को फर्दर 2 ब्रांचेज में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट बॉटनी, सेकेंड जूलॉजी। बॉटनी कहते हैं जितने भी दुनिया में प्लांट्स हैं उन सब की स्टडी करने को बॉटनी कहा जाता है, और जितने भी एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स उन सब की स्टडी को जूलॉजी कहा जाता है। उसके बाद कुछ जैसे जैसे दौर बढ़ता गया, टाइम पीरियड के साथ साथ नए साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ बॉटनी और जूलॉजी में कॉमन ब्रांचेस डिस्कवर किया, उनके बारे में बताया, नई ब्रांचेस बनाई। फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी कहा जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। सेकंड डेफिनेशन है एनाटॉमी। एनाटॉमी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल पार्ट्स की स्टडी को एनाटॉमी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्लांट्स में बात करती हूँ तो प्लांट्स के इंटरनल पार्ट्स क्या होंगे? स्टेम्स के अंदर मौजूद टिश्यूज़ या उसके जो है वो वैस्कुलर बंडल, जाइलम और फ्लोएम, उसकी स्टडी की जा रही है। या ह्यूमन बींग में उसके स्टमक की, उसके ब्रेन की स्टडी की जा रही है, तो उसे एनाटॉमी कहा जाएगा, क्योंकि हम इंटरनल पार्ट्स स्टडी कर रहे हैं। थर्ड डेफिनेशन है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टिश्यूज़ की स्टडी को कहा जाता है। टिश्यूज़ क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ सेल इज़ कॉल्ड टिश्यूज़। फोर्थ डेफिनेशन पे आ जाते हैं। फोर्थ डेफिनेशन है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी कहा जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स के फंक्शंस की स्टडी को, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके पार्ट्स किस तरह से फिजिकली फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी स्टडी को फिजियोलॉजी कहा जाएगा। यहाँ पर मैं जो बार बार लिविंग ऑर्गेनिज्म का वर्ड यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब है प्लांट्स भी इंक्लूड हैं इसमें और एनिमल्स भी, और एनिमल्स में ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन सब की बात की जा रही है। नेक्स्ट है साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी। साइटोलॉजी में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन और उसकी कंपोजिशन और जितने भी उसमें ऑर्गेनिल्स मौजूद हैं उन सब की स्टडी को सेल बायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट ब्रांच है इकोलॉजी। इकोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसकी स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी।
जब दो पेरेंट सेल मिलने के बाद एक नया सेल फॉर्म हो जाता है जिसे जायगोट कहा जाता है। जायगोट फॉर्म होने के बाद उसमें जितनी भी डिवेलपमेंटल चेंजेस आती हैं उस ऑफस्प्रिंग के बर्थ होने तक, उन सब चेंजेस की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। और ये जितनी भी डिवेलपमेंटल चेंजेस हैं ये एम्ब्रियो में हो रही हैं, तो एम्ब्रियो की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। लिविंग ऑर्गेनिज्म की अरेंजमेंट करना, ग्रुपिंग करना, उनको साइंटिफिक नेमिंग देना, उनकी डिसिमिलैरिटीज़ और सिमिलैरिटीज़ की बेस पर टैक्सोनॉमी कहलाते हैं। बायोलॉजी की नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में बेसिकली इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को स्टडी किया जाता है। इनहेरिटेंस या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जेनेटिक्स बेसिकली जीन्स की स्टडी को कहा जाता है। कुछ जीन्स ऐसी भी होती हैं जो इनहेरिटेंस कर रही होती हैं, मतलब पेरेंट टू देयर चिल्ड्रन कैरेक्टर्स को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं, लेकिन कुछ जीन्स जो हैं वो हाइड हो जाती हैं, उन सब की स्टडी को जेनेटिक्स कहा जाता है। नेक्स्ट है पैलियोन्टोलॉजी। पैलियोन्टोलॉजी फॉसिल्स की स्टडी को कहा जाता है। पैलियो मतलब होता है फॉसिल्स, मतलब ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो बहुत अरसा पहले मौजूद थे इस दुनिया में मगर अब वो सिर्फ एज अ फॉसिल्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट ब्रांच है इसकी बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर मौजूद केमिस्ट्री को स्टडी करना बायोकेमिस्ट्री कहलाता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर कौन कौन से केमिकल्स मौजूद हैं और वो किस तरह से फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ह्यूमन बींग के स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, वो किस तरह से वर्क करता है, तो उन सब की स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म के फ़ायदे के लिए या लिविंग ऑर्गेनिज़म से नई चीज़ें ईजाद की जाती हैं, नई टेक्निक्स लगाई जाती हैं ताकि लिविंग ऑर्गेनिज़म को फ़ायदा पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इंसुलिन है, वो एक लिविंग से दूसरे लिविंग के फ़ायदे के लिए उसको दी जाती है। एंटीबायोटिक्स की भी ये एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम इसमें। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की स्टडी की जाती है। द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। मतलब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स क्या होते हैं? ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जिनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है, जो हमें रियल आई से नज़र नहीं आते, उन सब की स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। बायोलॉजिकल मेथड ऑफ चैप्टर नंबर 1। व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेथड? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है उसे बायोलॉजिकल मेथड कहा जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या प्रोड्यूस हो रही हैं उसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कहा जाता है, और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं वो बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं। उन बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स को स्टडी करने के लिए हम मलेरिया एक डिज़ीज़ है उसको एज एग्जांपल यूज़ करेंगे। बायोलॉजिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट जब करते हैं तो सबसे पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन होता है। साइंटिस्ट अपने पास जितनी भी उसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद होती है उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को। जैसा कि अब हम मलेरिया केस को स्टडी करें, तो जब मलेरिया डिज़ीज़ अपेयर हुई लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में, तो सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, जो मलेरियन पेशेंट था उसका ब्लड सैंपल लिया और उसको ऑब्ज़र्व किया माइक्रोस्कोप में। जब उसने माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व किया तो उसे स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स नज़र आए। वो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स प्लाज्मोडियम थे। उस दौर में प्लाज्मोडियम डिस्कवर नहीं हुआ था, तो उसने कहा कि मलेरिया डिज़ीज़ की जो वजह है वो ये प्लाज्मोडियम हो सकता है। सेकेंड स्टेप है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस किसी भी साइंटिस्ट का इंटेलिजेंट गैस होता है। मतलब कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए बगैर उस साइंटिस्ट के पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो अपनी इंफॉर्मेशन के तहत कोई स्टेटमेंट दे, उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। हाइपोथेसिस के बाद थर्ड स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन हाइपोथेसिस की लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को कहा जाता है।
इसमें कोई एक्सपेरिमेंट रिक्वायर नहीं होता। जैसे मलेरिया के केस की स्टडी कर रहे हैं, तो मलेरिया के केस में क्या डिडक्शन थी कि अगर प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है तो जितने भी मलेरियन पेशेंट हैं उन सब के ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम मौजूद होना चाहिए। ये थी डिडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है जो प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है, मतलब अभी तक जितनी भी बातें थीं वो साइंटिस्ट जो है वो अपने जहन से कह रहा था या अपने पास मौजूद इन्फॉर्मेशन के तहत कह रहा था, अब प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है। मलेरिया प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट में 100 ऐसे पीपल्स का ब्लड सैंपल लिया जो हेल्दी थे और 100 ऐसे पीपल्स का ब्लड सैंपल लिया जो मलेरियन पेशेंट थे। उन सब का ब्लड सैंपल लिया और उन सब के टेस्ट किए। ये था एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं जो रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट में क्या हुआ, जो एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया उसका रिज़ल्ट रिपोर्ट किया जाएगा। जैसे मलेरिया के केस में 100 पीपल्स का उसने टेस्ट कर लिया था ब्लड सैंपल का। अब उसके बाद रिज़ल्ट में क्या रिपोर्ट किया गया कि जितने भी हेल्दी पर्सन का ब्लड सैंपल था उनमें प्लाज्मोडियम मौजूद नहीं था और जितने मलेरियन पेशेंट का ब्लड सैंपल था उस सब में प्लाज्मोडियम मौजूद था। तो इससे रिज़ल्ट क्या रिपोर्ट किया गया कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की वजह है। नेक्स्ट स्टेप है थ्योरी। जब रिज़ल्ट रिपोर्ट कर दिया जाता है तो थ्योरी पेश की जाती है उस रिज़ल्ट की बिना पर। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे क्रिएट हो गई है तो वो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हो और उसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने हाइपोथेसिस पेश किए हों, तो सबकी सब साइंटिफिक अजम्पशंस का जो एक सेट बन जाता है उसको भी थ्योरी में रिपोर्ट कर दिया। यहाँ पे ये बायोलॉजिकल मेथड का टॉपिक कंप्लीट हो गया और इसके सब स्टेप्स भी हमने कवर कर लिए। करेंगे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम बायोलॉजिस्ट। फर्स्ट हम अब्दुल मालिक असमाई को डिस्कस करेंगे। अब्दुल मालिक असमाई को अपने दौर का एनिमल स्पेशलिस्ट माना जाता था। अब्दुल मालिक असमाई ने एनिमल और प्लांट के बारे में बहुत सी बुक्स लिखी, कुछ यहाँ मेंशन है। अल खैल, उन्होंने हॉर्स के बारे में तहरीर की। अल अबील, कैमल्स के बारे में। अशिया शिप्स के बारे में। अल वहूश, जंगली जानवरों के बारे में। और खलकुल इंसान में इंसान के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में तहरीर किया। सेकंड अब डिस्कस करते हैं जाबिर बिन हियान को। जाबिर बिन हियान ईरान में पैदा हुए। जाबिर बिन हियान के दौर में सिर्फ कॉन्सेप्चुअल केमिस्ट्री मौजूद थी। इन्होंने उस दौर में एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री को इंट्रोड्यूस करवाया। इन्होंने प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में बहुत सी बुक्स तहरीर की, जिनमें से अल हैवान और अल नबातात बहुत ही मशहूर बुक्स हैं। अब बात करते हैं अल फराबी की। अल फराबी को इस्लामिक वर्ल्ड का बहुत बड़ा हकीम माना जाता था। इन्होंने दो बहुत ही फेमस बुक्स तहरीर की, किताबुल नबातात और किताबुल हैवानात। अब बात करते हैं बहुत ही फेमस साइंटिस्ट इब्नुल हैतम की। इब्नुल हैतम ने अपने दौर में तकरीबन 200 साइंटिफिक वर्क किए और उसके अलावा इन्होंने यूनानियों का जो विजन का कॉन्सेप्ट था उसको करेक्ट किया, खुद विजन के बारे में साइंटिफिक थ्योरी पेश की। और उसके अलावा इनकी दो मशहूर बुक किताबुल मनाजिर और मैज़ानुल हुक्मा है। अली बिन रबान तबरी फ़िलासफ़ी, जूलॉजी, साइकोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी के बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन्होंने फिरदौसुल हिकमा तहरीर की, जिसमें उन्होंने फ़िलासफ़ी, जूलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के डिटेल्ड आर्टिकल्स तहरीर किए। अब बात करते हैं अली बिन ईसा की, जो अपने दौर के बहुत ही फेमस आई स्पेशलिस्ट थे। इन्होंने अपने दौर में आँख के स्ट्रक्चर, फंक्शन और उसकी डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया। अपने इस आई के मज़मून के ऊपर ही 3 जिल्दें मुरतब की, जिसमें उन्होंने आई की 130 डिजीज़ को तहरीर किया। जहर भी अपने दौर के बहुत ही फेमस सर्जन थे। ये अपने दौर में गुर्दे और मसाने की पथरी निकालने के लिए बहुत मशहूर थे। अब बात करते हैं बोली सीना की, जो अपने दौर में फाउंडर ऑफ मेडिसिन के नाम से बहुत फेमस हुए। मेडिसिन के अलावा बू अली सीना मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, एस्ट्रोनॉमी, पैलियंटोलॉजी और म्यूज़िक में भी बहुत एक्सपर्ट थे। वीडियो में हमने ये डिस्कस किया कि मुस्लिम साइंटिस्ट का बायोलॉजी की फील्ड में क्या रोल था। क्वेश्चंस ऑफ नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट डिस्कस करेंगे कि जितने भी नॉन मुस्लिम बायोलॉजिस्ट थे उनका क्या किरदार था बायोलॉजी की फील्ड में, उन्होंने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए थे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, क्योंकि माइक्रोस्कोप से पहले मैग्नीफाइंग ग्लास इन्वेंट हुआ था, जिससे
ज़्यादा छोटी चीज़ों को नहीं देखा जा सकता था। इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया और उसके बाद उसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की और बताया कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट है। अब बात करते हैं गैलीलियो की। गैलीलियो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट थे। एरिस्टोटल ने उस दौर में एक थ्योरी पेश की थी फिज़िक्स की, फ्री फॉलिंग बॉडीज़। तो उस थ्योरी को गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू गलत साबित कर दिया। और उसके अलावा सबसे बड़ी इन्वेंशन इनकी माइक्रोस्कोप है, इन्होंने माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था। नेक्स्ट है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे एक इंग्लिश बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने लिविंग बॉडी के अंदर ब्लड की सर्कुलेशन को डिस्क्राइब किया था। नेक्स्ट है लीनियस। लीनियस ने लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुपिंग करना, क्लासिफिकेशन करना और उनको साइंटिफिक नेमिंग देने का मेथड मुतारिफ करवाया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं शेल्डन और शवान की। शेल्डन और शवान ने एनिमल और प्लांट के सेल के स्ट्रक्चर की कंप्लीट स्टडी की और स्टडी करने के बाद इन्होंने कुछ पॉइंट्स पेश किए जिसकी बदौलत सेल थ्योरी पेश की गई। लुईस पास्टर अपने टाइम के सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी टीबी को डिस्कवर किया। नेक्स्ट हैं जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर ने एंटीसेप्टिक डिस्कवर की, मींस ऐसी ड्रग्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के अगेंस्ट यूज़ की जाती है, और इसकी एग्जांपल आयोडीन और कार्बोलिक एसिड है। नेक्स्ट है एडवर्ड जेनार। एडवर्ड जेनार ने स्मॉल पॉक्स जो एक वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है, उस डिज़ीज़ के अगेंस्ट वैक्सीनेशन प्रिपेयर की। नेक्स्ट हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के फेमस लॉज पेश किए। इन्होंने बताया कि किस तरह से खसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ट्रांसफ़र होती हैं, और इसी की वजह से जेनेटिक्स की बुनियाद रखी गई। चाहे वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को एक्सप्लेन किया और बताया कि डीएनए एक हेरिडिटी मटीरियल है, कि डीएनए एक ऐसा मटीरियल है जो खसूसियात को ट्रांसफ़र करता है एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक। डीएनए क्या है, इसका स्ट्रक्चर, इसका फंक्शन, नेक्स्ट चैप्टर्स में हम इसकी स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने बहुत ही फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ तहरीर की, जिसमें उन्होंने जानदारों में किस तरह से तब्दीलियाँ आती हैं, किस तरह से एवोल्यूशन होती है अगर एनवायरनमेंट में कोई कुदरती तौर पर चेंजेस आ जाए, उस एवोल्यूशन के बारे में इस बुक में उन्होंने तहरीर किया। बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस। इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट बायोजेनेसिस एंड ए बायोजेनेसिस विद एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरीज। पहले ए बायोजेनेसिस को डिस्कस करेंगे। पहले ज़माने में ये माना जाता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो सब के सब नॉन लिविंग थिंग से वजूद में आते हैं। कुछ ऑब्जर्वेशंस की बिना पर कहा जाता था, जिस तरह से रोटी के टुकड़े पर फफूंदी लग जाती है या मुर्दा जानदारों पर मैगोट्स पैदा हो जाते हैं, उन सब की वजह से ये कहा जाता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो नॉन लिविंग से ही वजूद में आते हैं। अरिस्टोटल जो साइंटिस्ट था उसने भी अपना यही नज़रिया पेश किया कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स नॉन लिविंग थिंग से खुद ब खुद वजूद में आ जाते हैं, जिस तरह से मिट्टी या कीचड़ में खुद ब खुद मछलियाँ और मेंढक का पैदा हो जाना, कुछ नज़रियात उसने अपने पेश किए थे। तो इस नज़रिए को, जिसमें ये कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स नॉन लिविंग थिंग से अराइज होते हैं, उस नज़रिए को ए बायोजेनेसिस कहा जाता है। ए बायोजेनेसिस का नज़रिया पेश करने के बाद इटली के एक साइंटिस्ट रेडी ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज़म हैं वो अपने ही जैसे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज़म से वजूद में आते हैं। बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए रेडी ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने एक बोतल में मुर्दा सांप रख दिए। उसने ऑब्जर्व किया कि उस बोतल के इर्द गिर्द कुछ मक्खियाँ जमा हो गई, और 3 दिन बाद जब देखा तो उस गोश्त में मैगोट्स पैदा हो गए। फिर कुछ दिनों बाद ऑब्ज़र्व किया, वही मैगोट्स जो हैं वो प्यूपा में चेंज हो गए। उसने उस प्यूपा को एक अलग शीशे के जार में रखा और उसे ढक दिया, और उन प्यूपा में से कुछ दिनों बाद मक्खियाँ पैदा हो गई। तो उससे ये रिज़ल्ट जो है वो निकाला गया कि फर्स्ट डे जो मक्खियाँ उस बोतल के इर्द गिर्द घूम रही थी, उन्होंने उसमें एग ले किए, उन्हीं एग में से मैगोट्स और मैगोट वो प्यूपा में चेंज हुए, और फिर वो प्यूपा के बाद उसी में से उसी तरह की मक्खियाँ वजूद में आ गई। उसके बाद उसने सेकेंड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसने कुछ बॉटल्स लीं जिसमें मुर्दा
गोश्त रखा, कुछ सांप का था और कुछ मछलियों का। उसको उसने फुल सील कर दिया। सील करने के बाद जब उसने देखा कि काफ़ी दिन गुजरने के बाद भी उसमें किसी तरह के कोई माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिवेलप नहीं हुए, लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने इसकी मुखालफत की कि कहा गया कि ए बायोजेनेसिस के लिए हवा का होना ज़रूरी है। तो रेडी ने उसी बात की वजाहत के लिए दोबारा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसमें उसने एक बॉटल में ताज़ा गोश्त के टुकड़े रखे और उसको ऐसी जाली से बंद कर दिए जिसमें से हवा तो गुज़र सके लेकिन उसके अंदर मक्खियां ना जा सकें। बहुत दिन गुजरने के बाद भी उस जार में किसी तरह के भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म डिवेलप नहीं हुए, तो इस तरह से बायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी वो सही साबित होगी और ए बायोजेनेसिस की गलत। कुछ टाइम बाद ए बायोजेनेसिस को सही साबित करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम नेडहाम था। उन्होंने गोश्त की ग्रेवी तैयार की, जिसे उर्दू में यखनी कहा जाता है, तैयार करके उसने कुछ बोतलों में बंद करके रख दी। और जब कुछ दिनों बाद उसको ऑब्ज़र्व किया गया तो उन बंद बॉटल्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ हो गई। उसके बाद बायोजेनेसिस को प्रूव करने के लिए लुईस पास्टर ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बायोलॉजिस्ट कमीशन के सामने। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक ऐसी फ्लास्क ली जिसकी नेक कर्व्ड एस शेप की थी, डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा, और उस फ्लास्क में उन्होंने फर्मेंटेबल सॉल्यूशन मतलब ईस्ट, वाटर और शुगर का एक सॉल्यूशन डाल दी। देन उसको बॉईल किया और बॉईल करने के बाद उसकी स्टीम को रिलीज़ आउट करने के लिए छोड़ दिया। फिर उसको ठंडा करने के लिए कुछ देर छोड़ा और उसके बाद काफ़ी दिन बाद उसको जब ऑब्ज़र्व किया तो उसमें किसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ नहीं हुई। हवा के ज़रिए जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म या स्पोर्स गए तो वो उसकी जो एस शेप्ड कर्व नेक थी उसके साथ ही चिपक कर रह गए, वो अंदर तक नहीं पहुंच सके। इसी को उन्होंने और प्रूव करने के लिए उस फ्लास्क की कर्व नेक को तोड़ दिया और उसको फिर कुछ दिनों के लिए रख दिया। जब कुछ दिनों के बाद ऑब्ज़र्व किया तो उस फ्लास्क में माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की ग्रोथ हो गई। इससे ये साबित हुआ कि हवा के ज़रिए माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स किसी भी सॉल्यूशन में जाकर अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। इससे ये प्रूव हुआ कि नॉन लिविंग से लाइफ प्रोड्यूस नहीं होती, और इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट के बाद बायोजेनेसिस की थ्योरी को कमीशन ने एक्सेप्ट किया और ए बायोजेनेसिस की थ्योरी को गलत साबित कर दिया गया। तो इस वीडियो में हमने ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस की थ्योरी को एक्सपेरिमेंट्स के साथ स्टडी किया। जज़ाकअल्लाह क्लास।